ये है इंस्टेंट क्लासेस का एक प्रयास और आप देख रहे हैं टेंथ क्लास साइंस। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं दसवीं कक्षा की। दोस्तों, दसवीं कक्षा के अंदर विज्ञान में, दसवीं कक्षा के विज्ञान में जो प्रारंभिक प्रथम चैप्टर है उस पाठ का नाम है हमारे पास में भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन और मानव स्वास्थ्य वाला चैप्टर 4 नंबर का है। तो सबसे पहले आप लोग जो 9th से 10th में आए हैं उन लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को समझ जाएं कि किस प्रकार से इसका सिलेबस है। इस वीडियो को जो दूसरे लोग देख रहे हैं, हो सकता है ये आपके RS के लिए महत्वपूर्ण हो, ये भी हो सकता है सेकंड ग्रेड के लिए महत्वपूर्ण हो, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी इसका महत्वपूर्ण है ही है। और उसी प्रकार जो दूसरे एग्जाम है जैसे LDC है, कांस्टेबल है, और जो भी एग्जाम जिन एग्जाम में कहीं ना कहीं जनरल साइंस आती है, और ये कहा जाता है कि महत्व किसको दिया जाए, तो महत्व दिया जाए RBSE और NCERT की बुक। जब हम बात करते हैं कि NCERT और RBSE की बुक्स को महत्व दिया जाए और इन्हें एक मानक पुस्तक के रूप में माना जाए, तो हमें ये पहले आना चाहिए कि हमें 10th लेवल तक का सारा सिलेबस और होना चाहिए। मैं आज से इस वीडियो में रोजाना चैप्टर वाइज, इस चैप्टर के भी हमने 4 भाग किए हैं, तो आज का जो चैप्टर है उस 4th भाग का पहला प्रारंभ है ये। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये जो सीरीज चालू की है हमने, ये एक अत्यधिक महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में ये एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमसे जुड़े, और जुड़े रहने के लिए आप लोगों को वैसे भी धन्यवाद। तो अब बात करते हैं 10th क्लास की। 10th क्लास का पहला चैप्टर और पहले चैप्टर में लिखा हुआ भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन और मानव स्वास्थ्य क्या है? दोस्तों, हम सब लोग भोजन करते हैं। जब हम भोजन करते हैं तब हो सकता है हम उसके स्वाद पे जाते हैं कि हमें यार ये स्वाद बहुत अच्छा है, इस चीज का स्वाद मैं लेना चाहूंगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्वाद के चक्कर में वो पोषक पदार्थ नहीं मिल पाते और हम कहीं ना कहीं कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। जो बच्चे 10वीं में है अब उन्हें लग रहा होगा कि पोषक पदार्थ, कुपोषण, कहीं ना कहीं बड़े बड़े शब्द यहाँ पर मैं उपयोग करूंगा। साथ के साथ आप जो लोग नोट्स बना रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, वो लोग ध्यान दें कि साइड में मेरे नंबर दे रखे हैं, अगर आपको कोई चीज डिफिकल्टी लगती है तो आप मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, वही मेरे व्हाट्सएप नंबर भी है। तो संतुलित भोजन, अब देखो भोजन के लिए बात आती है कि आप लोगों को कोई ना कोई, हम लोग कोई ना कोई क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आदमी सुबह उठा, फिर उसके बाद नित्य कार्य हुए और नित्य कार्य के बाद में उसने क्या किया, तो अपना ब्रेकफास्ट किया या भोजन का थोड़ा बहुत उसने ग्रहण किया, दिन में उसने अपना भोजन ग्रहण किया, रात्रि में उसने डिनर किया। तो ये जो प्रोसेस हुआ, ये जो प्रक्रिया हुई, कहीं ना कहीं भोजन को ग्रहण करने के बाद में उसका पाचन क्रिया उस पर प्रभावी होती है। अगर हम इस प्रभावी ढंग से भोजन नहीं कर पाते हैं तो हम कहीं ना कहीं कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अधिकांश लोगों के अंदर मोटापा की वृद्धि हो रही है, आदमी लगातार मोटा होता जा रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अत्यधिक पतला दुबले हैं, है ना। अब अत्यधिक पतला दुबला होना भी कुपोषण है और अत्यधिक मोटा होना भी कुपोषण है। दोनों की मध्य की जो स्थिति है, यानी कि शरीर के अनुपात में जितना भोजन होना चाहिए, शरीर जितना लंबा है उसके अनुसार कितना उसके आयतन होना चाहिए, यानी कितना उसमें भार होना चाहिए, वो एक फिक्स क्वांटिटी उसकी होनी चाहिए। उससे अगर ज्यादा है तो भी वो कुपोषण का शिकार है, पर अधिक कम है तो भी वो कुपोषण का शिकार है। ऐसी स्थिति आपको बच्चों में देखने को मिल जाएगी। देखिए, संतुलित भोजन की बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, पहला किताब में पॉइंट दे रखा है संतुलित भोजन। अब संतुलित भोजन क्या है? संतुलित भोजन का अर्थ ये हो गया कि जो उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है वो उसका संतुलित भोजन है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है किसी व्यक्ति को, कोई मान लो कोई युवा है, उसको 4 रोटी की आवश्यकता है, हम रोटी लेके समझते हैं। अब 4 रोटी की आवश्यकता उस युवा को है, 1 साल के बच्चे को नहीं है। अगर हम उस बच्चे 1 साल के बच्चों के लिए हम रोटी खिला खिला के उसे परेशान करेंगे तो वो कहीं ना कहीं कुपोषण। लेकिन अगर 4 रोटी या 1 रोटी या 2 रोटी जितनी उस युवा को चाहिए वो नहीं मिलेगी तो युवा कमजोर हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं कुपोषण है। अर्थात जिसका शरीर जिस स्थिति में है उस स्थिति में उसे भोजन की आवश्यकता होती है, इसे क्या बोलेंगे अपन, संतुलित भोजन। यानी कि भोजन में वो सारे पदार्थ होने चाहिए जो कि आवश्यक पदार्थ मौजूद होते हैं, वो सारे के सारे होने चाहिए। अब इसी में, इसी चैप्टर में दे रखा कि आवश्यक पदार्थ, आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, प्रोटीन है और वसा।
हुसैन की फिल्म और लवण की फिल्म, ये सारे के सारे चीजें जो हैं, ये सब के सब क्या हैं? ये आवश्यक तत्व हैं जिनके बिना भोजन कंप्लीट नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा भोजन संतुलित, तो भोजन को संतुलित बनाने वाले तत्व कौन कौन से, प्रश्न बन सकता है कि भोजन को संतुलित बनाने वाले तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा और लवण। अब हमारे पास तो प्रश्न है कि संतुलित भोजन अगर हो गया, व्यक्ति ने संतुलित भोजन कर लिया, तो उससे क्या लाभ है? इसी चैप्टर में संतुलित भोजन के लाभ के आधार पर देखें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। शब्द आया है रोग प्रतिरोधक क्षमता। दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब यह होता है कि जिस प्रकार से हमारी देश की सेना हमारी रक्षा करने के लिए वहां पर खड़ी हुई है, उसी प्रकार हमारा शरीर बाहर से आने वाले किसी भी कीटाणु, जीवाणु, विषाणु जिससे हम बीमार होते हैं, उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर तैयार रहता है। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक प्रतिरोधक क्षमता होती है वह उतना आसानी से किसी भी परिस्थिति से गुजर जाता है। आप लोगों ने टीवी में एड देखा होगा कि ये फला चीज है या च्यवनप्राश है, इसको खाने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो ये वही प्रतिरोधक क्षमता है, वही हमारी इम्यूनिटी है। दूसरी चीज आती है कि स्वस्थ शरीर। अगर संतुलित भोजन जो व्यक्ति कर रहा है, शरीर कैसा रहेगा, उसका स्वस्थ रहेगा। और अगर स्वस्थ शरीर है, सुडोल शरीर है, तो व्यक्ति सक्रिय रूप से किसी भी कार्य में भाग ले सकता है। मानसिक और शारीरिक स्वस्थता। जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य सही है जो संतुलित भोजन कर रहा है, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति भी क्या होगी, सही होगी। आप देख लीजिए कोई व्यक्ति उदासीन है, सुस्त है, कितना भी आप उसे टारगेट कर लो, कितना भी आप उसे बोल दो, लेकिन वो व्यक्ति तैयार नहीं होगा। क्यों? कि उसका शरीर साथ कहीं ना कहीं नहीं दे रहा है। और अगर आदमी अत्यधिक पतला दुबला भी है तब भी वो उतनी दक्षता के साथ काम नहीं कर पा रहा है, थकान नहीं। तो थकान नहीं का मतलब क्या हो गया, संतुलित भोजन करना व्यक्ति को कहीं ना कहीं थकान से दूर करता है। तो ये भी एक बहुत आवश्यक कदम। अब बात आती है असंतुलित। असंतुलित का अर्थ क्या हो गया, तो प्रश्न हो सकता है असंतुलित भोजन किसे कहते हैं। वर्तमान की ऐसी परिपाटी और परिप्रेक्ष्य बन गया है कि हमें हर चीज में कहीं ना कहीं घर के खाने के बदले बाहर के भोजन में हम कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लगने लगे। पुराने जमाने में क्या होता था, अगर हमें किसी चीज की भूख लगी है, दिन में भूख लगी है, तो हम पोहे पे चले जाते, चलो पोहे बना दे, पकौड़े बना दे, या ऐसे पौष्टिक पदार्थ खा लेते थे जिनसे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती थी। आजकल बहुत सारी चीजें हैं, पिज्जा है, बर्गर है, ये है, वो है, कोल्ड ड्रिंक है, है ना। हालांकि इसी चैप्टर में हम आगे बात भी करेंगे इनपे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है, शरीर के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक है। तो संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन क्या हो जाएगा, जो आवश्यक तत्व हमारे शरीर में होने चाहिए उनका नहीं पाया जाना या उनकी मात्रा में कमी हो जाना, तो क्या हो जाएगा, असंतुलित भोजन हो जाएगा। और वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में कर भी यही रहे, जल्दबाजी में उनको जो मिल रहा है जो खा रहे हैं और निकल रहे हैं। फिर आता है कुपोषण। तो कुपोषण एक प्रश्न बनता है, कुपोषण किसे कहते हैं, क्या बनता है कुपोषण किसे कहते हैं। तो कुपोषण क्या होगा कि लंबे समय तक, देखिए डेफिनेशन देखिए इसकी, लंबे समय तक तत्वों पदार्थों का उसका क्या हो जाना, अभाव हो जाना। जो तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जिन तत्वों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वो लंबे समय तक हमारे शरीर को नहीं मिले, तो उनकी कमी कहीं ना कहीं झलकने प्रारंभ हो जाती है। जिस प्रकार से एक पेड़ है, उस पेड़ को अगर लंबे समय तक पानी नहीं मिले तो उसकी पत्तियां मुरझाने लगती है। हमें महसूस होता है कि पेड़ की पत्तियां मुरझाने लगी है, अर्थात पानी की कमी है। हम उस समय खाद नहीं डालेंगे, हम उस समय पानी डालेंगे। और अगर पत्तियां पीली पड़ने लगी है तो समझ में आता है पानी तो है लेकिन इसमें खाद की कमी है, तो इसमें उर्वरक पदार्थ कुछ डाले जाते हैं। उसी प्रकार शरीर के अंदर भी जिन पदार्थों की कमी महसूस होती है वो धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं, और उसका मुख्य कारण होता है कुपोषण। यानी कि जो पदार्थ हमारे शरीर को आवश्यक हैं उनका शरीर में नहीं मिलना, लंबे समय तक नहीं मिलना क्या कहलाएगा, कुपोषण कहलाएगा। अच्छा कुपोषण के भी क्या किताब में क्या दे रखे हैं, प्रकार दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनके जनरल साइंस है, मेरा दावा है आप लोग इस पुस्तक से, जो आपके आरबीएससी की बुक्स है, जो एनसीईआरटी की बुक है, उससे पढ़िए। बहुत सारी चीजें उसमें दे रखी है और बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से उठेंगे, है ना। तो कुपोषण के प्रकार, अब कुपोषण के प्रकार किसे बोलेंगे, तो मुख्यतः से हमने कितने भाग कर दिए कुपोषण के प्रकार के, किताब वालों ने तीन भागों में बांटा है, तो हम भी तीन भागों में बांटते हैं। एक तो प्रोटीन और एक विटामिन और एक खनिज। सबसे पहले इन्होंने लिया विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण का मतलब क्या हो गया, सीधी सी बात है कुपोषण यानी समझ में आ गया, किसी तत्व की लंबे समय तक क्या हो रही है, अपने अंदर कमी हो रही है, किसी तत्व की लंबे समय तक कमी हो रही है कुपोषण कह रहे हैं। अब उसमें किसकी कमी हो रही है, साफ लिखा हुआ है विटामिन,
तो यानी कि विटामिन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब देखते हैं विटामिन की कमी का मतलब क्या। विटामिन की कमी का मतलब ये है कि विटामिन के पदार्थों की या विटामिन की क्या होना, कमी होना। पहले ये तो समझ ले विटामिन है क्या। शरीर का ऐसा पदार्थ है विटामिन जो शरीर नहीं बनाता। आप लोगों को हार्मोन ध्यान आएगा, आपने छोटी क्लास में हार्मोन पढ़ा है। आप लोगों को हमारे शरीर का पित्त रस ध्यान आएगा, शरीर की कोशिकाएं याद आएंगी, आपने नवी क्लास में कोशिकाएं पढ़ी है। लेकिन यहां पर शब्द आ रहा है विटामिन, हालांकि आपने आठवीं में विटामिन भी पढ़ा है, नवी के अंदर भी कुछ अंश विटामिन का है। तो यहां पर बात आ रही है विटामिन। अब विटामिन है क्या, तो ऐसा पदार्थ जिसको शरीर बनाता तो नहीं है लेकिन शरीर के लिए क्या है, आवश्यक है। तो ये पदार्थ कहाँ से मिले, आखिर कौन देगा ये पदार्थ, तो शरीर के किसी बाह्य स्रोत से जब कोई मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विटामिन। अब विटामिन के प्रकार कितने होते हैं, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है विटामिन का वर्गीकरण। तो विटामिन के दो वर्गीकरण या दो भागों में बांट दिया मैंने, एक तो वसा में घुलनशील, एक हो गया जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील मतलब ऐसा विटामिन जो तेल में घुल जाए, सीधी सी अपनी भाषा में अपन बोले तो ऐसा विटामिन जो किसमें घुल जाए, तेल में घुल जाए। और ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाए, तो जल में घुलनशील। अच्छा, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील कौन कौन है, तो वसा में घुलनशील जो है वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन एच। कौन कौन से, ए डी ई के एच। अब एक कल्पना करनी पड़ेगी आपको, कल्पना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप बिना कल्पना के नहीं समझ पाएंगे। कल्पना कीजिए कि आपको विटामिन कहां से मिल रहा है, वसा में घुलनशील। वसा कौन है, मान लो ये कढ़ाई है, कढ़ाई आप सब लोग जानते अच्छी ढंग से, हाँ, जिसमें पकौड़े फ्राई करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये आपका उसके अंदर तेल रखा हुआ है, घी रखा हुआ है, जो भी पदार्थ यानी कि वसा है, कुल मिला के क्या है, वसा। और जब आप उसमें कोई भी चीज निकालने जाते, पकौड़े निकालने गए मान लो, तो आप पहले क्या करोगे, तेल को देखोगे ना कितना गर्म हुआ है, तो आप क्या बोलोगे अपनी मम्मी को या अपने छोटी बहन को, आके देख ले, मुझे नहीं पता कितना तेल आया है या कितना तेल गर्म हुआ है। तो हम शब्द यूज करते हैं आ देख, है ना, तो आकर, आकर देख। अब आकर देख का मतलब क्या हुआ, तो इंग्लिश में लिखेंगे तो ए डी ई के एच, आ देख, आ देख। तो आ देख कौन हो गया, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन एच। और अगर मान लो तेल ज्यादा गर्म हो गया है, कोई चीज ज्यादा गर्म हो गई है, तो फिर अपन क्या करते, जल का छिड़काव कर देते, पानी जल, कोई चीज जल रही है तो हम क्या करते, बस पानी डालते हैं। तो जल में घुलनशील क्या होगा, तब कोई व्यक्ति कहता बस बस अब मुझे पानी की जरूरत है, इसके अलावा कुछ जरूरत नहीं। याद क्या रखेंगे, बी सी, विटामिन बी और विटामिन सी किसमें घुलनशील है भाई, जल में घुलनशील। क्लियर कट क्या हो गया, विटामिन भूसा में घुलनशील विटामिन कौन है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन एच। जल में घुलनशील कौन है, तो बी और सी। ये क्लियर है। अब कौन कौन से विटामिन, आखिरकार विटामिन कौन कौन से। इससे पूर्व जो जनरल साइंस का एक वीडियो था उसमें भी मैंने विटामिन की बात की, तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके अंदर जाएं, उस चैनल के अंदर ढूंढें कि विटामिन के बारे में मैंने कहां बता रखा, ताकि आप लोगों को विटामिन की अधिक जानकारी और मिल जाए। ये तो थी न्यूज आप लोगों के लिए। अब आती है बात विटामिन कौन कौन से है, तो हम देखते हैं कि जनरली जो विटामिन की अपन बात करते हैं, विटामिन मुख्य तरह से होते हैं ये प्रकार अपन लेते हैं, जिसे मैंने कह दिया विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, विटामिन एच। कुछ खास विटामिन में विटामिन के जो है, विटामिन ई जो है, ये कुछ खास विटामिन, बाकी ए बी सी डी तो है ही है ना। इनको हम सौंदर्य का विटामिन भी कहते हैं, ध्यान रखने वाली बात है ना, विटामिन ई को क्या बोलेंगे, सौंदर्य का विटामिन। अब बात आती है विटामिन ए, तो विटामिन ए, विटामिन बी तो आप सबको याद है, लेकिन अगर विटामिन ए का नाम क्या पूछ लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, किताब में दे रखा है। अब उसे याद भी अपने हिसाब से करना है, कैसे अपने हिसाब से करेंगे, तो देखिए मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा हिंट लाया हूं, छोटी सी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या आपको समझनी पड़ेगी, देखो जनरली क्या होता है कि दूल्हा दुल्हन जो होते हैं वो आपस में फेरे लेते हैं और शादी हो जाती है। लेकिन कल्पना करो आप किसी व्यक्ति ने यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं तो नई स्कॉर्पियो कार लूं, स्कॉर्पियो आप सब लोग समझते हैं कि एक कार की जीप है महिंद्रा की, उसमें बैठकर पूरे गांव के चक्कर लूं,
फेरे लेना का मतलब हो गया चक्कर, वहां के पूरे गांव के फेरे लो, तो कितना अलोखा माहौल होगा। तो इस रहस्य को अपन देखते हैं, क्या लिखा है, रेटिना खरा रहे पर न्यू स्कॉर्पियो में कल्चर फेरा। रेटिना मतलब क्या हुआ, एक टीना नाम की लड़की, हर बार में उसको बोलते हैं अपन टीना नाम के, अपन मारवाड़ के अंदर मेवाड़ के और लोग जो होते हैं थोड़े अलग ही होते हैं, तो वो क्या क्या कहेंगे, हे टीना, हे टीना, टीना टीना की लड़की है, नाम हे की जगह उन्होंने लगा दिया रे, याद रहेगा रेटिना, रेटिना थरा राइबा, राइबा का अर्थ होता है उसका हस्बैंड होने वाला, तो रेटिना थरा राइबा न्यू स्कॉर्पियो में क्या लेंगे, कल्चर फेरा लेंगे, रेटिना थरा राइबा न्यू स्कॉर्पियो में क्या लेंगे, तो कल्चर फेरा लेंगे। रेटिना, रेटिना का रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, अगर किसी भी कॉम्पिटिशन में पूछा जाए विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, खेल खत्म, विटामिन ए का नाम ए की कमी से रोग रतौंधी, रतौंधी क्या होती है, वही होती है जो बोल्ड रहा था बोल्ड पिक्चर के अंदर कादर खान को हुई, आप लोगों ने देखा होगा कादर खान को रात को दिखना बंद हो गया, हालांकि वो एक हास्य था, लेकिन यहां पर देखिए अंधकार में थोड़ा कम दिखता है व्यक्ति को, दिखाई देना बंद हो जाता है, उसे क्या बोलेंगे अपन, रतौंधी रोग। रतौंधी रोग किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की प्राप्ति किससे, गाजर से, मूली से। अच्छा, विटामिन ए का नाम क्या, रेटिनॉल, सीधी सी बात। दूसरी बात विटामिन बी, अच्छा विटामिन बी जो है वो पूरा कॉम्प्लेक्स है अपने आप, तो सबसे पहले बात करेंगे विटामिन बी 12, इसकी बात करेंगे विटामिन बी 12, जो विटामिन बाहर नहीं आता उसी को तो हम क्या करते हैं बाहर, तो उसको क्या करेंगे अपन, विटामिन 12, तो विटामिन बी 12, बी क्या 12, बी 12 में कौन सा होगा, रेटिना थरा, थरा का क्या होगा 12, विटामिन थरा, थरा का क्या होगा 12, और थरा का एक मतलब और है थायमिन, थरा का एक मतलब और क्या है थायमिन, तो दो चीजें होंगी विटामिन बी 12 थरा, और थरा का मतलब क्या थायमिन, तो याद रखना है कि सीधी सी बात है थायमिन विटामिन बी 12 में है, और उसका नाम क्या है थायमिन है, विटामिन बी 12 है। कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है, कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है, ये भी क्लियर हो गया है ना। अब आता है राइबा, अर्थ क्या होगा राइबा का, राइबोफ्लेविन, राइबा राइबोफ्लेविन, क्या नाम है, तो विटामिन बी2, बी2 बड़ा प्यारा नाम है, सुंदर नाम बी2, अपन नहीं कहते बी2 टिट्टू वो वाला बी2, तो बी2 ये बहुत प्यारा नाम है। विटामिन क्या है राइबा के अर्थ क्या हुआ राइबोफ्लेविन है ना, अलग अलग फ्लेवर वाला फ्लेविन विटामिन बी2। अच्छा, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस क्या होता है इस रोग में, तो लिख लीजिए इस रोग में आपके जो होंठ हैं वो फटने लगेंगे, पपड़ी आने लगेगी होंठ के ऊपर, और आपको ऐसा लगेगा मेरा होंठ शुष्क हो गया है, तो वो किसकी कमी से हो रहा है, विटामिन बी2 की कमी से है ना। दूसरी चीज न्यू स्कॉर्पियो में कल्चर फैलाना, न्यू को अपन बोलते हैं नया, कोई चीज नहीं लाते तो क्या बोलते हैं न्यू या नया, तो न्यू को अपन लिखेंगे निया, तो निया क्या होगा नियासिन। अच्छा नियासिन मतलब क्या, विटामिन बी3 है ना, कौन सा रोग पेलेग्रा रोग, क्या होता है तो जीभ जो होती है और चमड़ी जो होती है उसके ऊपर धब्बे महसूस होने लगते हैं और पपड़ी सी आने लगती है,